हेलो फ्रेंड्स, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दिया गया है सी नॉट इज इक्वल टू 90 पीको फैरड। पीको फैरड का मतलब 10^-12 फैरड। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ गिवन है 20 वोल्ट। इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया के इज इक्वल टू 5/3 का और हमसे पूछा गया है कि बताइए टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस कितना होगा चार्ज, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा सी वो निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा के सी नॉट दैट इज इक्वल टू 5/3 इंटू 90 पीको फैरड। हमारे को पूछा गया है चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक पर, हम पहले निकालेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू। क्यू कितना हो जाएगा सी इंटू वी, वी इज ई, सो दिस इज इक्वल टू के सी नॉट ई। ये चार्ज आ गया और आपको इंड्यूस चार्ज चाहिए। इंड्यूस चार्ज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 1-1/K। सो ये आ जाएगा के सी नॉट E इंटू 1-1/K। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 3 नैनोकूलम। आपको सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करनी है, यहाँ आ जाएगा 3 नैनोकूलम मल्टीप्लाइड बाय 1-1/K इज 3/5, सो दिस इज इक्वल टू 3 × 2/5 दैट इज इक्वल टू 1.2 नैनोकूलम। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो चार्ज डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस हुआ है वो पूछा गया है, कैपेसिटर पर चार्ज नहीं पूछा गया है, इतना ध्यान रखेंगे। वैसे ऑप्शन में भी नहीं है क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज आया है 3 नैनोकूलम, ऑप्शन में नहीं है। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए 0.3 नैनोकूलम मार्क कर देते हैं। ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1.2 नैनोकूलम। थैंक यू।